हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे ताजा और सबसे दिलचस्प फिल्मी खबरें। आज हम बात करने वाले हैं पुरी जगन्नाथ की बहुप्रतीक्षित फिल्म डबल स्मार्ट के ट्रेलर के बारे में, जिसमें राम पोथिनेनी और संजय दत्त नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रेलर ने फैंस पर कैसा असर डाला है। पुरी जगन्नाथ की हिट फिल्म आई स्मार्ट शंकर का सीक्वल डबल स्मार्ट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। राम पोथिनेनी ने लीड रोल में अपनी भूमिका को दोहराया है और संजय दत्त बिग बुल के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। 2:42 लंबे इस ट्रेलर की शुरुआत वहीं से होती है जहां आई स्मार्ट शंकर खत्म हुई थी। ट्रेलर में राम पोथिनेनी का कैरेक्टर एक चिप के साथ दिखाया गया है जो उसकी यादों को बदलने की अनुमति देता है। संजय दत्त का कैरेक्टर इस चिप को अपने लिए अमर होने का सबसे अच्छा तरीका मानता है। ट्रेलर में राम पोथिनेनी की नई गर्लफ्रेंड काव्या थापर को भी दिखाया गया है, जिन्हें वह बोमा कहकर बुलाता है। पुरी का ट्रेलर दिखाता है कि राम का कैरेक्टर औरतों के साथ भेदभाव करता है, जो कि फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। पुरी के पसंदीदा कॉमेडी एक्टर अली भी कुछ सीन्स में नजर आते हैं जो दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेलर के ज्यादातर हिस्से में संजय दत्त का किरदार राम की तलाश में दिखाया गया है। फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। कुछ लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर कहा और उम्मीद जताई कि ये फिल्म पुरी और राम दोनों के लिए वापसी होगी, लेकिन कई फैंस को ट्रेलर ज्यादा पसंद नहीं आया। एक फैन ने तो यहां तक कह दिया कि वह ट्रेलर भी पूरा नहीं देख पाए क्योंकि यह बहुत लंबा खिंच गया था। कई फैंस ने उस सीन का मजाक उड़ाया जहां राम और संजय की पैंट में बंदूकें दिखाई गई। एक फैन ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पुरी की कोई वापसी नहीं होगी और उन्होंने पहले पार्ट को दोबारा शूट करके इसे डबल स्मार्ट नाम दे दिया है। डबल स्मार्ट 15 अगस्त को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर हरीश शंकर की रवि तेजा स्टारर मिस्टर बच्चन से होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी ट्रेलर रिव्यू डबल स्मार्ट के बारे में। आपको क्या लगता है, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।